हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नेहा। आज हम इंटीजर का थर्ड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट सेकंड पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कवर कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 से हम आज देखेंगे, और जिन्होंने नहीं देखा है अभी तक फर्स्ट सेकंड पार्ट, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगनल हैव द सेम सम। ये आपको एक स्क्वायर दे रखा है, मैजिक स्क्वायर दे रखा है। इसके क्या है, सारे रो, ये वाली लाइन क्या कहलाती है, सीधी वाली रो कहलाएंगी, ये वाली क्या कहलाएंगी, कॉलम, ठीक है। और डायगनल कौन से होंगे, एक डायगनल ये होगा और एक डायगनल ये होगा। तो आपको देखना है कि मतलब इनके कहने के अकॉर्डिंग कि सारे रो का सम, सारे कॉलम का सम और सारे डायगनल का सम जो है इक्वल होगा। तो आपको चेक करके बताना है कि इन दोनों स्क्वायर में से कौन सा स्क्वायर मैजिक स्क्वायर है। मैजिक स्क्वायर वही होगा जो सारे रूल्स को फॉलो करेगा, मतलब सारे रो कॉलम और डायगनल का सम जिसमें भी सेम आएगा वो स्क्वायर हमारा कैसा हो जाएगा, मैजिक स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं, फर्स्ट पार्ट पहले देखते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट पार्ट ए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कॉलम से। तो लिखेंगे ईच कॉलम, ठीक है, सारे कॉलम में हम सम चेक करेंगे सबका, ठीक है। तो पहला वाला कॉलम कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ये लाइंस कौन सी, कॉलम, ठीक है। स्टैंडिंग लाइंस आर नोन एज कॉलम एंड हॉरिजेंटल लाइन आर नोन एज रो, ठीक है। तो कॉलम का देखते हैं, तो क्या करेंगे, सबका सम कहा गया था क्वेश्चन में, तो सब में साइन कौन सा लगाएंगे, प्लस का। तो जो माइनस है उसे ब्रैकेट में लिखते रहिए। तो इसको सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है। फर्स्ट, सॉरी मैंने रो लिख दिया, कॉलम लिखना था। क्या हो जाएगा, 5 प्लस माइनस 5 प्लस 0, पहला वाला कॉलम हो गया। दूसरा वाला कॉलम क्या है, माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस 3, माइनस वाली चीज़ों को सबको ब्रैकेट में लिख लीजिए। थर्ड वाला कॉलम क्या है आपका, माइनस 4, फिर क्या है, प्लस 7, प्लस क्या है आपका, माइनस 3। इनको सबको सॉल्व करिए, तो क्या हो जाएगा आपका, 5 प्लस माइनस इज माइनस, बताया था लास्ट क्लास में प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और फिर क्या हो जाएगा, प्लस 0। तो 5 माइनस 5 इज़ 0, 0 प्लस 0 इज़ 0। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 1 प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, प्लस माइनस इज़ माइनस, और यहाँ पे है 2, फिर आपका क्या लिखा है, प्लस 3। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा, माइनस 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, सेम साइन में हमेशा एडिशन, तो माइनस 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का 3, और फिर क्या लिखा हुआ है, प्लस 3। अब अपोजिट साइन है तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 इज़ 0, अगेन 0, ठीक है। फिर देखते हैं यहाँ पे, माइनस 4 प्लस 7 प्लस माइनस माइनस 3, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, देख लीजिए, चाहिए तो पहले सेम साइन वाला कर लीजिए, चाहे अपोजिट वाला कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए। चलिए अपोजिट कर लेते हैं, प्लस 7 माइनस 4, 7 से 4 यह कितना हो गया आपका, प्लस का 3, क्योंकि बिग नंबर के आगे कौन सा साइन है, प्लस का, इसलिए प्लस का आंसर आएगा। फिर क्या है, माइनस 3, सॉल्व करेंगे, 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0। तो सबका सम यहाँ पे तो 0 आ रहा है कॉलम पे, ठीक है। अब हम ऐसे ही चेक करेंगे रो में भी क्या सबका सेम सम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम लिखेंगे ईच रो। अब रो में चेक करना स्टार्ट करिए, रो आपकी ये वाली लाइन्स हो गई, तो 5 प्लस माइनस 1, फिर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4, ठीक है। सेकेंड वाली रो क्या है आपकी, माइनस 5 प्लस माइनस 2 प्लस 7, थर्ड वाली क्या है, 0 प्लस 3 प्लस माइनस 3, ठीक है। अब देखते हैं, 5 प्लस माइनस इज माइनस 1 प्लस माइनस इज माइनस 4, ठीक है। तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा बताइए, 5 माइनस 1 हो जाएगा आपका 4, और इधर क्या लिखा है, 4, तो 4 माइनस 4 इज़ 0। फिर यहाँ पे देखते हैं, माइनस 5 प्लस माइनस माइनस 2 प्लस 7, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, सेम साइन एडिशन, माइनस 5 माइनस 2 इज माइनस 7, और यहाँ पे कितना है, प्लस का 7, फिर क्या हो जाएगा, अपोजिट साइन दोनों कैंसिल, प्लस माइनस 7 माइनस 7 इज़ 0। अगेन थर्ड वाला देखते हैं, 0 प्लस 3 प्लस माइनस इज माइनस,
फिर कितना हो जाएगा, 0 + 3 - 3 = 0, 0 + 0 = 0। अब हम इसके डायगनल के बारे में चेक करेंगे, क्या इसकी डायगनल की भी वैल्यू सेम हो रही है कि नहीं हो रही है। तो क्या लिख देंगे, फॉर डायगनल, तो दो डायगनल है आपके पास, एक ये वाला और एक ये वाला, दो डायगनल है। तो चेक करते हैं, पहला वाला हो जाएगा 5 + -2, फिर +-3, एक डायगनल ये हो गया आपका। दूसरा हो गया -4, फिर क्या हो गया -2, और हो गया 0। सॉल्व कर लेते हैं इनको, 5 अपोजिट साइड सब्ट्रैक्शन, फिर अपोजिट साइड सब्ट्रैक्शन, तो क्या हो जाएगा 5 - 2 = 3 एंड 3 - 3 = 0। फिर से वैल्यू हमें 0 मिल गई, लास्ट वाली वैल्यू बस बची है, तो -4 + -2 एंड -4 - 2 = -6। ये वैल्यू आपकी 0 नहीं है, तो क्या ये मैजिक स्क्वायर होगा, नहीं होगा। तो आंसर क्या लिखेंगे, नो इट इज़ नॉट अ मैजिक स्क्वायर। रीज़न क्या देंगे, बिकॉज ऑल वैल्यूज आर नॉट सेम, आर नॉट सेम। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, मतलब इसी का जो बी पार्ट है वो वाला देखते हैं, देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। जैसे अभी सॉल्व किया था वैसे सॉल्व करना है। पहले आप रो कॉलम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर रो, तो रो आपकी कौन सी लाइन्स हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन्स हो गई, 1 + -10। इसका भी सबका सम निकालेंगे, देखेंगे मैजिक स्क्वायर है या नहीं है। सेकेंड रो आपकी क्या हो गई, -4 + फिर क्या होगी, -3 + -2, फिर लास्ट वाली क्या हो जाएगी, -6 + 4 + -7। ये सारी आपकी रो हैं, ठीक, हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो क्या हो जाएगा, 1 + -6 - 10, और 0 आप हटा दीजिए, चाहे लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो गया, अपोजिट साइन, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, 10 में से 1 गया, कितना हो गया 9, और साइन कौन सा आएगा, जो बिग नंबर के आगे, दैट इज़ -9। इधर सेकेंड वाले में देखते हैं, -4 + -3 + -2, सब साइन कैसे हैं आपके, सेम साइन है, तो क्या करेंगे, एडिशन, 3 - 2 = 5, 5 - 4 = 9, और साइन कौन सा आएगा, जो सेम है, दैट इज़ -9। अब यहाँ आते थर्ड वाले में, -6 + 4 + -7, तो -6 + 4 कितना हो जाएगा आपका, -2, अपोजिट साइन में सब्ट्रैक्शन, -7, सेम साइन में एडिशन, 7 - 2 = 9, दैट इज़ -9। तीनों वैल्यू आपकी क्या हो गई, सेम हो गई। ऐसे ही हम जो है कॉलम के लिए भी चेक करेंगे अभी, तो कॉलम के लिए देखते हैं। फॉर कॉलम, ठीक है, तो फर्स्ट वाला कॉलम क्या हो जाएगा आपका, कॉलम मतलब स्टैंडिंग लाइन, 1 + -4 + -6, ठीक है। सेकंड वाला क्या हो जाएगा, -10 + -3 + 4, थर्ड वाला हो जाएगा 0 + -2 + -7। सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा, 1 + -is - 4 + -is - 6, 1 सेम साइन क्या होगा, एडिशन, 6 - 4 = 10, 10 में से 1 गया, कितना हो गया 9, साइन बिग नंबर के आगे वाला, दैट इज़ -9। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -10, फिर माइनस, फिर प्लस, सेम साइन एडिशन, 10 and 3 - 13, +4, 13 से 4 गया, कितना हो गया आपका, -9। फिर यहाँ पे आइए, क्या हो जाएगा, 0 है, +-is - 2 + -is - 7, 7 and 2 = 9, सेम साइन ही लिखा जाएगा। यहाँ पे भी अभी सारी वैल्यूज हमें क्या मिली, सेम मिली। अब लास्ट हमारा बचा है डायगनल वाला, उसे भी चेक कर लेते हैं, अगर वो सेम आता है तो ये हमारा मैजिक स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फॉर, अब क्या चेक करेंगे हम लोग, डायगनल के लिए चेक करेंगे, फॉर डायगनल, डायगनल मैंने बताए थे दो होते हैं, एक ये वाला दूसरा ये वाला, तो 1 + -3 + -7 कितना हो जाएगा, इसको चेक कर लेंगे, दूसरा कौन सा है, 0 + -3
प्लस माइनस सिक्स, तो वन प्लस माइनस इज माइनस थ्री, प्लस माइनस इज माइनस सेवन। वन सेम साइन एडिशन दैट इज टेन, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन, टेन माइनस वन इज नाइन एंड साइन इज माइनस। यहाँ पे क्या हो गया, ज़ीरो प्लस माइनस इज माइनस, प्लस माइनस इज माइनस, सिक्स एंड थ्री इज नाइन, सेम साइन दैट इज माइनस नाइन। आपने देखा सारी वैल्यू सेम आ गई, तो ये क्या हो जाएगा, मैजिक स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यस इट इज अ मैजिक स्क्वायर। रीजन चाहे तो लिख लीजिए, बिकॉज ऑल वैल्यूज आर सेम। तो क्वेश्चन बहुत आसान था, आर सेम। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।